रेस्पायरेशन को हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारे टॉपिक है, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स की। रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या चीज़ है? पिगमेंट हम कहते हैं ये वो सब्सटेंस है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, और हमारे पास जो रेस्पायरेटरी गैसेस होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये गैसेज जो हैं वो कम्बाइन हो जाती हैं विद दिस पिगमेंट। और कम्बाइन होने से फ़ायदा ये होता है कि ब्लड जहाँ जहाँ से गुजरता जाता है पूरे बॉडी में, बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुँचता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी पहुँच जाती है। इसी तरह जब ब्लड वापस सर्कुलेट होता है हार्ट की तरफ, तो क्या होता है कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पिगमेंट के साथ अटैच हो जाती है, और ये पिगमेंट जो है वो ब्लड के साथ साथ हार्ट में और फिर उसके बाद वापस लंग्स की तरफ आ जाता है। तो पिगमेंट का फ़ायदा यहाँ पर आपको क्या नज़र आया? फ़ायदा ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर अगर पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकेगी या ऑक्सीजन ज़्यादा सर्कुलेट हो सकेगी पूरे बॉडी के अंदर। अब ये पिगमेंट पिगमेंट हम ये जो बात करें ये क्या चीज़ हैं? जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या कुछ और एनिमल्स की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो है जी हीमोग्लोबिन, जिसके हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये वो पिगमेंट है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एंड टू द लंग्स। और ये हीमोग्लोबिन है क्या? बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के अंदर आयरन पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। और इस प्रोटीन से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमने कहा कि इसके साथ डिफरेंट गैसेज यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती हैं, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कितनी इंक्रीज़ होती है? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की, तो 75 टाइम्स जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो 75 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकेगी या पहुँच सकेगी। इसी तरह एक और पिगमेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो कहलाता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की तरह ही एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस तरह से कि ये मसल फाइबर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इन, इसलिए हम इसको मसल हीमोग्लोबिन कहते हैं, मसल हीमोग्लोबिन। अब ये मसल्स के अंदर पाया जाता है, इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे एक्ट करता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेके मसल्स तक पहुंचता है, तो मसल्स में हीमोग्लोबिन से, मायोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से उस ऑक्सीजन को ले लेता है, और फिर हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन लिया हुआ है उस ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुँचाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया? अपने ऑक्सीजन को हैंड ओवर कर दिया मायोग्लोबिन को, और मायोग्लोबिन फिर उस ऑक्सीजन को लेके मसल्स तक पहुँच जाएगा। तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। काम तकरीबन दोनों का सेम है जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है जो कि इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। वो डिफरेंस क्या है या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मायोग्लोबिन जो है इसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है जो कि अटैच होती है आयरन रिंग के साथ। यही वजह है कि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है उसको अपने साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी जो मायोग्लोबिन की है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को ज़्यादा कंबाइन, इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड अफिनिटी टू कंबाइन द ऑक्सीजन इज मच हायर देन हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा टेंडेंसी है मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की। तो ये हमने देख लिया रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पर आ जाते हैं जो कि है लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हवा की कितनी मिकदार फेफड़ों के अंदर आ सकती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की, और एक यंग एडल्ट को देखें, एडल्ट ह्यूमन बींग, तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर अगर उसका जो उसके जो फेफड़े हैं फुली इन्फ्लेटेड होंगे, फुली इन्फ्लेटेड मतलब फिल्ड होंगे एयर से, तो उनके अंदर कितनी एयर आएगी? उनके अंदर तकरीबन हम कहते हैं कि 5 लीटर्स जो है वो एयर के पाए जाएंगे, यानी कि एक तरह से ये एक मैक्सिमम लिमिट है एयर की जो कि लंग्स के अंदर पाई जा सकती है।
अगर इसी तरह, ये तो हमने देख लिया फुली इंसुलेटेड, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सो रहा है या रेस्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट फॉर्म में या स्लीपिंग में सोते हुए अगर हम देखें, तो उस वक्त कैपेसिटी जो लंग्स की वो डिफरेंट, और डिफरेंट कितनी होती है, तकरीबन हाफ लीटर एयर जो है वो उस वक्त लंग्स के अंदर जा रही होती है। इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज मोड में देखें, यानी कि कोई बंदा अगर एक्सरसाइज कर रहा है या भाग रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त हम जानते हैं कि हम सांस तेज़ी से लेते हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं, तो उस वक्त ये होगा कि 3.5 लीटर्स एयर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जा रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमने देखा कि फुली इंफ्लेटेड लंग जो है उसके अंदर 5 लीटर एयर होती है, ठीक है, 5 लीटर एयर जो मैक्सिमम पाई जाती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करें तो सिर्फ 3.5 लीटर्स क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज जो बाकी की, इसमें से जो बाकी की 1.5 लीटर्स है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी हम उसको कहते हैं कि वो रेजिजुअल एयर है और वो एक्सपेल नहीं होती, यानी कि एक्सहेल नहीं होती। तो ये हमने देख लिया लंग्स कैपेसिटी को। इसके साथ हम फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक मिनट में कितनी तादाद में सांस लेते हैं, तादाद कहेंगे, या हम इसको कहेंगे कितनी दफ़ा हम सांस लेते हैं एक मिनट में। जैसा कि हम इंसानों को डिस्कस करें, ह्यूमन बींग्स को, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई इंसान अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास होती है 15 से लेके 20 टाइम्स, ठीक है, एक मिनट में 15 to 20 टाइम्स जो है वो बंदा सांस लेता है। और ये इंक्रीज़ हो जाती है जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, यही वजह है कि हम सांस तेज़ी से लेने लगते हैं। और ये जो 15 to 20 टाइम्स हमने मेंशन किया था, ये बढ़ के तकरीबन 30 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, पर मिनट, यानी एक मिनट में हम 30 दफ़ा सांस लेते हैं। ज़्यादा दफ़ा सांस लेने का क्या फ़ायदा होगा? कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकेगी, और हमारे मसल्स की, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। एक और चीज़ जिसको हम यहाँ देख लेते हैं, वो हमारे पास इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर वो है जो हम अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो थी, और एक्सहेल्ड एयर वो है जो हमारे बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो ऑक्सीजन की है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब हम एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ रहे होते हैं, हम ये जानते हैं कि एयर के अंदर बहुत सारी और गैसेज भी पाई जाती हैं, यानी कि नाइट्रोजन है, या कुछ नोबल गैसेस के ट्रेसेस भी हो सकते हैं, या वाटर वेपर्स हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? इस चीज़ को देखने के लिए हम एक टेबल की फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं। एक साइड पे हमारे पास है इनहेल्ड एयर और एक हमारे पास है एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते जाते हैं कि हवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो हम जानते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट भी है वो है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर वैसे अगर हम एनवायरनमेंट में देखें, तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो होती है 21%, ठीक है। तो 21% ऑक्सीजन को हमने इनहेल कर लिया, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी ने यूटिलाइज कर ली है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 16% ऑक्सीजन जो है वो बाकी रह जाती है, यानी कि 5% ऑक्सीजन हमने अब एब्जॉर्ब कर ली, समझ लें। इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में तकरीबन 0.04% जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। लेकिन हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, तो यही वजह है कि जो एक्सहेल्ड एयर है इसके अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। इसी तरह अगर हम वाटर वेपर्स को देखें, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है, चेंज्ड हो सकते हैं। सर्दियों में डिफरेंट होंगे, गर्मियों में डिफरेंट होंगे, इसी तरह खुश्क जगहों पे डिफरेंट होंगे, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर वेपर्स डिफरेंट होंगे एयर में, ठीक है। लेकिन जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर की तरफ लेते हैं, तो उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो सेचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी तरह एयर का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है?
वो है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन हम जानते हैं कि एयर के अंदर 79% पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने रेस्पायरेशन को पढ़ा, हमने कहीं पे भी नाइट्रोजन का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती है। यही वजह है कि एक्सहेल्ड एयर के अंदर 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हैं कि इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में क्या डिफरेंस है या क्या फ़र्क है। मेजर डिफरेंस आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में ही नज़र आएगा। तो ये हमने देख लिया इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर को। इसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, और वो है जी डाइविंग रिफ्लेक्स का। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, हमारे बॉडी का तो नहीं, बट ये जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है जिनमें हमारे पास एक्वेटिक मैमल्स आ जाते हैं, एक्वेटिक मैमल्स, ठीक है। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर नहीं जाते, लाइक पानी के अंदर नहीं रहते, ठीक है। इनको एयर चाहिए होती है ताकि ये रिस्पायर कर सकें, लेकिन इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये तकरीबन 2 आवर्स तक, 2 घंटों तक भी ये डाइव कर सकते हैं, या ओशन के अंदर उसकी डेप्थ तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी 2 घंटों तक वो कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? ये सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइविंग रिफ्लेक्स। इनके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल रिस्पॉन्स सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी आ जाती हैं इनकी बॉडी के अंदर। नॉर्मली जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि हम जिन एक्वेटिक मैमल्स की बात करें जिनके अंदर डाइविंग रिफ्लेक्स पाई जाती है, उनके अंदर जो उनके ब्लड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, यानी कि दे हैव ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एज कम्पेयर टू अदर मैमल्स, यानी कि बाकी ऑर्गेनिज्म के निस्बत इनके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसी साथ साथ इनके अंदर एक हमने मायोग्लोबिन को पढ़ा था, मायोग्लोबिन, ठीक है, ये पिगमेंट इनके बॉडी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, दे हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन की जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी तो हमने देखा था कि मायोग्लोबिन जो है वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सके, ठीक है। तो ये तो इनके बॉडी के अंदर हमने देख लिया कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं जो हेल्प करते हैं इनको ज़्यादा देर तक वाटर के अंदर रहने में। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ हम बात करें डाइविंग रिफ्लेक्स की, तो डाइविंग रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? होता यह है कि जब भी ऑर्गेनिज्म डाइव करते हैं, यानी कि पानी के अंदर जाते हैं, तो ड्यूरिंग डाइविंग इनके बॉडी में जो डाइविंग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और इसके एक्टिवेट होने से होगा क्या, कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर। वो चेंजेस क्या हैं? एक तो ये कि वो सांस लेना छोड़ देंगे, दे विल स्टॉप ब्रीदिंग। दूसरा ये कि उनका दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धड़केगा, यानी कि हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी, और कितनी होगी, तकरीबन 1/10 तक चली जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी और साथ में एनर्जी की कंजम्पशन भी, यानी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को कम खर्च करेगी। इसके अलावा कुछ सर्कुलेशन के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और सर्कुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं? एक तो ये कि बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या इसी तरह के मजीद और सिस्टम्स, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है या ब्रेन है, इनको कम सप्लाई नहीं दी जा सकती। तो यही वजह है कि इनको जो नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जारी रहती है। और इसके साथ साथ मसल्स के अंदर, मसल्स के जो रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम देखते हैं, तो उसका मोड चेंज हो जाता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पिरेशन हो जाती है। तो ये वजह है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन भी अगर इनकी बॉडी के, इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, तो वो उसी को यूटिलाइज़ करेंगे इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैक्सिमम 2 घंटे तक भी ये पानी के अंदर एग्जिस्ट कर लेते हैं या सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये हमने देख लिया डाइविंग रिफ्लेक्स को। एक दफ़ा हम अपने आज के लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ वो चीज़ें देखी जो रेस्पिरेशन से इनडायरेक्टली और किसी हद तक डायरेक्टली भी लिंक्ड होती हैं। आज हमने बात की है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, और इसके साथ साथ हमने 2 पिगमेंट्स को डिस्कस किया, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जो कि मेजर पिगमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर। और हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया कि आपस में इनका क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हमने बात की लंग्स कैपेसिटी की, कि मैक्सिमम कितनी क्वान्टिटी
एयर की आ सकती है लंग्स के अंदर, और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया कि हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखा। इसके बाद हमने इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के अंदर कंसंट्रेशन देख ली डिफरेंट चीज़ों की, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद हमने बात की है डाइविंग रिफ्लेक्स की, जो कि पाई जाती है एक्वेटिक मैमल्स के अंदर, कुछ एक्वेटिक मैमल्स के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।